नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डायबिटीज फूड ज्ञान। आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूं वो है शुगर केन जूस यानी गन्ने का जूस। आज हम पियेंगे एक गन्ने का जूस और पी के बताएंगे, रिव्यू करेंगे कि हमारी शुगर उसमें बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, क्योंकि देखिए शुगर केन से हमारी शुगर बढ़ती है क्योंकि देखिए इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सिर्फ 43 है जो इसको लो कैटेगरी में माना जाता है। लेकिन दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ये प्रूफ नहीं होता है कि हमारी शुगर कम होगी, ऐसा नहीं है। मेन चीज होती है ग्लाइसेमिक लोड, ठीक है। अगर मैं एक सर्व की बात करूं सर्विंग की तो उसमें 250 ml है। अगर 250 ml अगर हम लोग एक ग्लास में अगर सपोज हम एक 250 ml का जूस पीते हैं तो हमारा 20 से ऊपर हमारा ग्लाइसेमिक लोड हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। शुगर केन जूस में सिर्फ हमको कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, ना इसमें फैट है, ना इसमें प्रोटीन है, ना इसमें फाइबर है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जिससे क्या है हमारी शुगर बढ़ जाती है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ तो अगर हम 250 ml गन्ने का जूस पीते हैं तो हमें सिर्फ 180 कैलोरी मिलती है, ठीक है। 180 कम नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। 250 ml में अगर हमको 180 कैलोरी मिलती है तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर जो वेट लॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये प्लीज़ इसे ना पिए, इससे वेट इंक्रीज ही होगा, बढ़ने ही वाला है। इसमें फैट प्रोटीन और फाइबर नहीं होता है। हाँ, इसमें आयरन काफ़ी अच्छा होता है, मैग्नीशियम अच्छा होता है, पोटेशियम अच्छा होता है, कैल्शियम अच्छा होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी अच्छा होता है इसमें। और 40 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है अगर हम एक जूस 250 ml का पीते हैं तो। देखिए ऐसा है, नॉर्मली अगर किसी को डायबिटीज़ होती है वो कंट्रोल में रहती है, किसी की बढ़ी हुई रहती है। जैसे प्री डायबिटिक वाले हैं उनकी शुगर लेवल में रहती है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी मोस्टली क्या है 250-200 से ऊपर ही रहती है, ठीक है। तो जिसको प्री डायबिटिक वाले हैं, ठीक है, वो अगर गन्ने का जूस रेगुलरली पीते हैं, ठीक है, तो उनकी शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके जो फायदे हैं वो 2-3 फायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला फायदा तो ये है, अगर आपके बाथरूम में अगर जलन होती है, ठीक है, तो गन्ने का जूस पीने से आपको काफ़ी राहत मिलती है, ये अपनी बॉडी को ठंडा कर देता है। ये एक तरह का एनर्जी ड्रिंक होता है। अगर सपोज आपको भूख लग रही है, अगर आपको प्यास लग रही है और आपको फटाफट अगर हमारी भूख को ख़त्म करनी हो, मारनी हो, ठीक है, ख़त्म करनी हो, तो आप अगर हम एक गिलास शुगर केन जूस पी लेते हैं गन्ने का जूस, तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो पेट है वो भरा हुआ मिलता है। ये गन्ने का जूस हमारे दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत मजबूत करता है। दांतों के लिए ऐसा है कि इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा होता है, ये हमारे डाइजेशन को भी काफ़ी मजबूत करता है, काफ़ी अच्छा करता है। और प्लीज़ इसको फ्रेश जूस ही पिए। आप जब भी कहीं पे लारी पे अगर आप जूस पीने जाते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा वहाँ पे धूल मिट्टी ना हो, ठीक है, दूसरा ग्लास एकदम क्लीन हो और जो गन्ना है वो अच्छी तरह से उसको पानी से साफ किया हो, तभी आप उसको पिएगा। नहीं तो क्या है कि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कीटाणु लगे होते हैं, ठीक है, ज़मीन पर रखे होते हैं और काफ़ी सारे कीटाणु उस पर रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो अच्छी तरह साफ किया हो और आगे का और पीछे का हिस्सा अच्छी तरह से कट करके ही वो यूज़ करें। तो आपका क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम एक ग्लास ना पिए तो कितना पिए, तो अगर आप 100 ml भी पियोगे तो डेफिनेटली शुगर बढ़ने वाली हो, या 250 ml लोगे तो भी शुगर बढ़ने वाली है। तो अगर जिसकी शुगर हाई है प्लीज़ इसको ना पिए, क्योंकि इसमें फैट प्रोटीन फाइबर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे क्या है हमारी शुगर को धीरे धीरे इसको हमारी बॉडी में लाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा ऑन द स्पॉट 10 मिनट के अंदर हमारी शुगर में पहुंच जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने बाहर और हम पीते हैं एक ग्लास यानी 250 ml जूस और पी के बताऊंगा कि हमारी शुगर कितनी बढ़। कॉर्नर से काट देना, लास्ट में काटेगा ना।
तो दोस्तों मैंने अभी एक ग्लास बनवा लिया है आपके सामने, मैं बता दूंगा। तो अभी टाइम हो गया, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो पहले हम अपनी शुगर चेक करेंगे। ये देख लीजिए 3:20 हुआ है, 320 हुआ है, ठीक है। तो मैं अपनी पहले शुगर चेक कर लेता हूँ। ये शुगर रहेगी मेरी रैंडम ब्लड शुगर, ओके। चलिए चेक कर लेता हूँ पहले शुगर, उसके बाद हम 250 ml जो हमारा जूस है, गन्ने का जूस जो हम लोगों ने फ्रेश बनवाया है, वो हम आपको पी के फिर इसका रिपोर्ट हम 2 घंटे बाद आपका बताएंगे। तो ये अभी ब्लड आ चुका है, ये आ गई हमारी रैंडम ब्लड शुगर। मैंने एक्चुअली 12:30 को मैंने खाना खाया था, तो मुझे 3 घंटे के आसपास हो चुका है, ठीक है। तो ये है मेरी रैंडम ब्लड शुगर जो है 169, शायद आपको दिख रहा होगा 169 है, ठीक है। तो टाइम हुआ है 3:20 और ये मेरा 250 ml मेरा गन्ने का जूस है, जिसमें मैंने थोड़ा सा बर्फ मिलवाया जो जूस ठंडा रहे। चलिए अब मैं इसको पी लेता हूँ। बहुत स्वीट है, बहुत मीठा है, और मैंने फ्रेश ही बनवाया है उस गन्ने को। मैंने अच्छी तरह से पहले उसको साफ करवाया है कि पहले आप साफ करिए और दोनों कॉर्नर को आप कटिंग करके उसके बाद ही आप उसको जूस बनाइए। ठंडा ठंडा रियल में बहुत मजा आ रहा है पीने का। चलिए चेक करेंगे कि डायबिटीज वाले भी क्या इसको पी सकते हैं क्या। अगर एक ग्लास पीते हैं, ये मेरे को 20 rupees में पड़ा है, 20 rupees में। तो मेरा अभी ये जूस कंप्लीट हो चुका है और टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए 3:21, यानी 3:20 मेरा जूस कंप्लीट हो गया 3:20। तो मैं आपको मिलूंगा 5:20 को, एग्जैक्ट 2 घंटे बाद, कि हमारी शुगर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे अभी 2 घंटा हो चुका है, 250 ml यानी एक ग्लास। ये देख लीजिए हम लोगों ने कंप्लीट किया था 3:20 को, 3:20 को, और अभी हो गया 5:19, ठीक है। 5:20 हो गई है, टाइम हो चुका है 2 घंटे, ठीक है। चलिए अब चेक करेंगे हमारी शुगर खाने से, सॉरी गन्ने का जूस पीने से पहले जो थी मेरी वो थी 169, जो थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। मैंने 3 घंटे पहले खाना खाया था, उसके बाद मैंने अपनी शुगर चेक की थी। चलिए चेक करेंगे, मैंने इसी उंगली में लिया था मैंने। चलिए चेक करके, ब्लड आ चुका है। चलिए चेक करेंगे कि एक ग्लास पीने के बाद हमारी शुगर कितनी बढ़ रही है। दिख रहा दोस्तों 195, 169 से 195, इसका मतलब है हमारा 26 पॉइंट यानी 26 पॉइंट हमारा बढ़ गया है एक ग्लास गन्ने का जूस पीने से। और दोस्तों वो एक चीज और बता दूं, वो जो ग्लास था वो 250 ml नहीं था, एक्चुअली 300 ml ही था, ठीक है। वो ग्लास को मैंने इसमें पानी डाला तो मुझे पता चला कि इसमें 300 ml जूस आ रहा है, तो वो 250 ml नहीं था, वो 300 ml था। तो 26 पॉइंट हमारा बढ़ा है। तो दोस्तों 26 यानी 25 और 30 के बीच में हमारा शुगर बढ़ेगा जो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। अगर इसको पीने की इच्छा हो तो आप वीक में एक बार पी सकते हैं, ठीक है। और पता है आपको भी जो भी सीजनल फूड होता है, ठीक है, उसको पीने भी हमारे शरीर में जरूरी है, हमें पीना चाहिए हमारे सेहत के लिए। तो आई होप इसी तरह मैं और वीडियो बनाता रहूं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।